फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज मैं आपके लेके आई हूं क्रिसमस स्पेशल रेसिपीज़। आज की रेसिपीज़ थोड़ी सी हटके होने वाली हैं। ये बिल्कुल ऐसी रेसिपीज़ नहीं हैं जो रेगुलर क्रिसमस की रेसिपीज़ होती हैं, बट हाँ बहुत टेस्टी बनती हैं और इसीलिए इनका हमारे पास में कोई नाम नहीं था। प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमें इनके नाम सजेस्ट कीजिएगा कुछ अच्छे अच्छे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं अपना बहुत ही टेस्टी केक और इसका नाम मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसको भी हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे। इसके लिए आज मैंने रोटेटिंग ट्रे जो है वो हटा दी है, इसका नीचे का बेस और ये ग्लास टॉप दोनों हटा दिया है। और अब हम टेम्परेचर को सेट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे और प्री हीटिंग के लिए लगा देंगे। जब हम माइक्रोवेव में प्री हीट करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर अटेन हो जाता है बीप आ जाती है। यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट वाला चक्कर नहीं होता। ये देखिए प्री हीटिंग शुरू हो गई है और इसको होने में लगभग 5 मिनट लगेंगे और बीप आ जाएगी। इतने हम बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे एक बोल ले लिया है और उसमें हम लेंगे आधा कप दही। मेजरमेंट मैंने सारे मेजरिंग कप से ही करे हैं। और 1/4 कप ऑयल या बटर या घी आप जो भी चाहें ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें 1/4 कप फैट लेना है और साथ में है 2/3 कप चीनी। यहाँ पे चीनी को पीस के इस्तेमाल करना है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच वैनिला एसेंस। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला है। आप मेजरिंग स्पून से बिल्कुल 1 चम्मच डालिएगा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से विस्क करेंगे। और यह हमारा प्यारा सा डेकोर है तो हम एक दूसरे एंगल से भी विस्क कर रहे हैं। इसको हमें थोड़ा सा फ्लफी बनाना है। अब हम इस बैटर के ऊपर रखेंगे सीव और छानेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें पहला है 1/4 कप मिल्क पाउडर, उसके बाद है 1 कप मैदा। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसको बिल्कुल ठीक से नाप के डालिए, 1 टीस्पून होना चाहिए। और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे आपने अगर सॉल्टेड बटर यूज़ किया हो तो आप एक चुटकी नमक को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है तो मैंने इसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने वेट इंग्रेडिएंट्स में छान दिया है और अब हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो दही की कंसिस्टेंसी है वो डिसाइड करेगी कि कितना दूध चाहिए। यहाँ पे दही मेरा काफ़ी थिक था इसलिए मुझे 1/4 कप से भी कम दूध लगा है। पर दूध को हमेशा बैचेस में डालिए, बहुत ज़्यादा दूध एक साथ मत डालिएगा, बहुत फ्लोई बैटर हो जाएगा। हमें इस पर्टिकुलर केक के लिए बैटर जो चाहिए वो थोड़ा सा थिक चाहिए ताकि दोनों कलर्स अलग अलग रहें। आप ज़रा से इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हमने अच्छे से विस्क कर लिया है। हमारा ये बैटर रेडी है और अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ क्योंकि एक में हम थोड़ा सा कलर मिलाएंगे पिंक बनाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। एक में मैंने टूटी फ्रूटी ऐड करी है थोड़ा सा अलग रखने के लिए, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे हमारा सिंपल टूटी फ्रूटी केक बनेगा। और दूसरे वाले पोर्शन में मैंने मिलाया है 1 बूंद पिंक कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पे अपनी चॉइस का कोई भी कलर मिला सकते हैं। कुछ नहीं तो आप कोको पाउडर भी मिला सकते हैं बैटर बनाते समय, या फिर मिल्क के साथ में मिक्स करके मिला सकते हैं। आप चाहें तो कोई डिफरेंट एसेंस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर दिए हैं ताकि दोनों पोर्शंस जो हैं वो खाने में और देखने में अलग लगे। ये देखिए इट लुक्स सो लवली। और अब बिल्कुल बेक करने से पहले हम इसमें आधा आधा चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्ट करता है और हमारा केक बहुत ही फ्लफी बनता है। यहाँ पे विनेगर को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दोनों में हमने विनेगर अच्छे से मिक्स कर दिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी पे एक नज़र रखिएगा, थोड़ा सा केक बैटर से थिक है। बेकिंग मोल्ड में हमने 5 मिनट पेपर लगाया हुआ था और अब हम उसको हल्के से ग्रीस कर देंगे। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में बेक कर सकते हैं। आज मैं रेक्टेंगुलर बेक कर रही हूँ एकदम पाउंड केक वाली फीलिंग आने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो व्हाइट वाला बैटर था उसे बेस में डाल दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ कुछ जो है वो कपकेक वाले बैटर जैसी है। ये देखिए सारे में इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिंक वाला बैटर, बिल्कुल हल्के हाथ से डालेंगे ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो, दो लेयर्स हमें अलग अलग दिखें जब केक बेक हो जाए। इसके लिए बैटर का थिक होना बहुत ज़रूरी है।
अब बेकिंग टिन को हम हल्के से पैट करके सेट कर देंगे और ऊपर से जो भी हमें डेकोरेशंस डालनी है वो डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लैक वाले चॉको चिप्स डाले हैं, थोड़े से व्हाइट वाले चॉको चिप्स डाले हैं। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स कुछ भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा ओवन अच्छे से प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें स्टैंड लगाएंगे डायरेक्ट और उसके ऊपर रख देंगे अपना बेकिंग टिन या बेकिंग मोल्ड। और यहाँ पे आज ये रोटेट नहीं करेगा, ये सिंपल जैसे ओटीजी में बेकिंग होती है बिल्कुल वैसे ही बेकिंग होगी। 35 मिनट्स के लिए मैंने लगाया था बट ये 32 मिनट्स पे बिल्कुल अच्छे से निकल आया था। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको मॉनिटर्ड बेकिंग करें। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल वो कलर आएगा जो इंस्टाग्राम पे आपने देखा था। उस दिन वाला केक जो था वो सिर्फ 29 मिनट्स में मैंने निकाल लिया था एंड इट वॉज ब्यूटिफुल पिंक। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट, थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। आगे मैं आपको डिटेल में प्रोसेस दिखाऊंगी। थोड़ा सा बटर इसमें डाला है एक अच्छे से ग्लेज के लिए और इसको कोन में भर दिया है। बट जितनी देर में मैं कैमरा लाइट सेटिंग कर रही थी ये जमने लगी थी, तो मेक श्योर कि आप इसको तुरंत केक पे डालें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ये सब प्रोसेस आपको आगे वीडियो में जो रेसिपीज है उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़े से स्प्रिंकलर्स लगा दिए हैं, सार्थक मेरी हेल्प कर रहा है। अगेन दीज आर वेरी वेरी ऑप्शनल, कोई इसमें नहीं है, बस इनके फ्लेवर्स अच्छे थे तो हाँ केक के टेस्ट को थोड़ा सा ही और अच्छा कर रहे थे। थोड़ी सी गोल्डन बॉल्स हैं ताकि थोड़ा सा जैजी लगे देखने में और क्रिसमस वाली फीलिंग दे। सो गाइस, हमारा बहुत ही टेस्टी केक बनके रेडी हो गया है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही चॉकलेट डेकोरेशन कीजिएगा। और इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर, ब्यूटीफुल केक। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं अपनी अगली रेसिपीज पे। इसके लिए हमें पहले एक बेसिक वॉफल बनाना है, दैट टू एगलेस। और इसके लिए हमने लिया है 1/3 कप बटर, सॉल्टेड बटर लिया है यहाँ पे मैंने, मेल्ट कर लिया है। और उसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, बनता है लेकिन मैंने 1/2 कप से 2 चम्मच कम डाली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें वेनिला एसेंस में जनरली डालना होता है बट मैं इसमें नहीं डालूंगी, आपको आगे बता देती हूँ क्यों। और अब हम बटर और शुगर को बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा फ्लफी बनाना है ताकि हमारे वॉफल्स जो हैं वो बहुत ही केकी एंड क्रिस्पी अच्छे से बने। ये देखिए हल्का हल्का वाइट होने लगा है। और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जाएगा 1 कप मैदा, साथ में जाएगा 1/4 कप वैनिला कस्टर्ड। और इसी की वजह से हमने वैनिला एसेंस नहीं डाला था क्योंकि इससे प्रॉपर वैनिला का टेस्ट आ जाएगा। साथ ही जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सॉल्टेड बटर है तो हमें इसमें नमक नहीं चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान देंगे और इस वाले स्टेप के बाद में हमारे सारे क्रिसमस डेकोर के ऊपर खूब सारा पाउडर लगा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जब आप मिक्स करेंगे तो एक ये क्रम्बली मिक्सचर बन जाएगा, इसे बैटर भी नहीं कह सकते। अब इसको बैटर बनाने के लिए हम इसमें बैचेस में दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे पूरा 1 कप दूध लग गया था, मैंने बैचेस में ही डाला है, पहले 1/2 कप डाला फिर 1/2 कप डाला। तो इसको आप धीरे धीरे करके ही डालिएगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया था और इसको हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। ये एगलेस वॉफल की एक बहुत अच्छी रेसिपी है और इसमें हमने वैनिला कस्टर्ड यूज़ किया है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट एंड टेक्सचर आया था, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फाइनली हमें इस बैटर को बिल्कुल ऐसा बना देना है, रिबन कंसिस्टेंसी वाला। और इस बैटर को अब हम थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने वॉफल आयरन को गरम करने लगा दिया है और बैटर हमारा थोड़ा थोड़ा स्ट्रेची हो गया है क्योंकि कस्टर्ड में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है, कॉर्नफ्लोर में फ्लेवर डाल के ही कस्टर्ड बनता है, तो इसकी वजह से स्ट्रेची हो जाता है। जब वॉफल आयरन अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम उसे ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे ग्रीस करने के लिए आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। और अब हम इसमें बैटर ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बैटर एक साथ नहीं डालना है। जनरली जो एग वाले वॉफल्स होते हैं उनका बैटर इससे थोड़ा सा फ्लोई होता है बट ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है एगलेस वॉफल्स के लिए। इसको हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, देखिए ताकि किनारे से भी इसका शेप बहुत अच्छा है, बट ओवरफ्लो होने लगता है इसलिए बहुत ज़्यादा मत भरिएगा। वॉफल्स को अच्छे से कुक होने में अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो आप 12 मिनट्स बाद इन्हें चेक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे फुल 15 मिनट्स हो गए थे और फर्स्ट बैच को होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे वॉफल्स बनके तैयार हो गए हैं।
ये थोड़ी देर रख के बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे आपको, बट जैसे जैसे ये रखेंगे ठंडे होंगे वैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हो गए हमारे वॉफल्स। तो अब यहाँ पे हम चॉकलेट का काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल बॉयलर सेटअप किया है, नीचे पानी है, ऊपर चॉकलेट की शेविंग्स रखी हुई हैं। छोटा छोटा काटने से चॉकलेट बहुत अच्छी मेल्ट होती है, ये देखिए। और चॉकलेट के साथ आप जब भी काम कीजिए फ्रेश चॉकलेट लीजिए, उससे टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है, टेक्स्चर भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। और एक तरफ हम वॉफल्स को कट कर लेते हैं। साथ में मैंने कुछ बिस्किट्स लिए हैं, डार्क फैंटेसी है क्योंकि इसमें अंदर भी चॉकलेट होती है, तो जो हम बनाने वाले हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चॉकलेट कोटेड कुकीज़, और इसके लिए हमने डार्क फैंटेसी बिस्किट लेके उसको अच्छे से चॉकलेट से कोट कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गिफ्टिंग के लिए बच्चों को एक एक बिस्किट आप देंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। आप चाहे तो वॉफल्स को भी आप पूरा डिप कर सकते हैं। यहाँ पे वॉफल्स पे मैंने सिर्फ चॉकलेट ड्रिजल की है, वॉफल को रख देंगे और ऊपर से चॉकलेट ड्रिजल करेंगे। इस समय मौसम इतना ठंडा है कि ये रखते ही थोड़ी सी देर में सेट हो जा रही है। अगर आप गर्मी में बनाते हैं तो आपको इसे रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे वॉफल्स और बिस्किट्स बिल्कुल तैयार हैं, और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं, एकदम क्रिसमस वाली फील दे रहे हैं। और यहाँ पे ये मैं एक बास्केट प्रिपेयर कर रही थी अपनी फ्रेंड के लिए, उसमें सबसे पहले हम रखेंगे केक साइड में। ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, आप भी इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। और साथ में वॉफल रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे साइड से निकाल देंगे, उसे हम पैक करते करते खा लेंगे। और यहाँ पे सारे वॉफल्स रख दिए हमने, और साथ में ये चॉकलेट कोटेड कुकीज। गाइस दीज आर ऑसम, डू गिव इट अ ट्राई। सो गाइस ये थी हमारी आज की रेसिपीज, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। साथ ही आपको कौन सी अच्छी लगी थी, कुकी अच्छी लगी थी, वॉफल अच्छा लगा था या केक अच्छा लगा था? कुकी तो इनकी फेवरेट थी कुकी, आप लोग भी जरूर से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है। और फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बहुत ही हेल्दी वीडियो आने वाला है। और क्रिसमस का टाइम था तो हमें लगा पहले आपके साथ में स्वीट्स शेयर करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस कीप एंजॉयिंग आवर रेसिपीज, विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।